देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,98,000 के पार पहुंच गई है, जबकि कोविड-19 से मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 5,598 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक 95,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। बात अगर हम महाराष्ट्र की करें तो कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज यहीं से सामने आए हैं। लगातार देश भर में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर फिलहाल मौजूद है। प्रीत, देखिए आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो मरने वाले लोग हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। क्या व्यवस्थाएं, क्या इंतजामात, क्या नई अपडेट? जी बिल्कुल मनीषा, आज भी पिछले 24 घंटों में जो आज आंकड़ा जारी किया गया, पिछले 24 घंटों में मरने वाले लोगों की संख्या 204 हो चुकी है। 8,131 नए पॉजिटिव मामले आ चुके हैं देश भर में। हालांकि इस बीच में जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इतना आंकड़ा होने के बावजूद जो लोग ठीक हुए हैं, करीबन 91,000 लोग जो है वो देश भर में ठीक हो चुके हैं जी। और कोरोना को मात दे चुके हैं। ऐसे में देश को इससे उभरने के लिए एक बार फिर से जिस तरीके से उन्होंने एक नया नारा दिया है गेटिंग ग्रो बैक, तो उससे हमें काम करना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। देश को केवल इंडिया के लिए ही नहीं, मेड इन इंडिया की बजाय अब मेड फॉर वर्ल्ड करना होगा, के लिए काम करना होगा आगे। जी मनीषा, बिल्कुल प्रीत, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें जिस प्रकार से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तमाम एहतियात बढ़ती जा रही हैं, सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जारी हैं और जो कोरोना मरीज हैं उनका इलाज भी लगातार मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है।